लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले हैं, कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, मानकों का उल्लंघन करने वालों की ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम करे सरकार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की मांग की है, सरकार को हादसे के शिकार परिवारों की मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर इमारत गिरने की घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानकों का उल्लंघन ना हो और जहां जिसकी गलती हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, साथ ही जिसका मकान गिरा है उनके लिए मुआवजे की भी मांग की है। मानकों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। मैं परिवार से मिलने आया था और इस दुखी घड़ी में जो परिवार का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बगल में हमारी पार्टी के हमारे साथी खड़े हैं, इनकी माँ, इन्होंने माँ खोई है, इन्होंने पत्नी खोई अपनी, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो आज परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए परिवार के सदस्यों में मिला हूँ। सरकार को आगे आके मदद करना चाहिए और जो कानून कहता है कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, और कानून अगर किसी को, कानून का उल्लंघन अगर किया है किसी ने और मानक से छेड़खानी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और सरकार को आगे आकर के इन परिवारों ने जो भी उस बिल्डिंग में रहते थे सब कुछ खोया है, सब कुछ उनका चला गया, सरकार को मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बरेली से है। पठान मूवी के बेशर्म गाने पर विवाद की खबर मिल रही है, जहां मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के दौरान जमकर मारपीट हुई है। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये देखिए आप। बरेली का ये मल्टीप्लेक्स है जहां से ये वीडियो आया है। इस वीडियो में जो हम देख पा रहे हैं, एक शख्स बिना शर्ट के दिखाई दे रहा है, उसे लोग घेरे हुए हैं, कुछ लोगों के हाथ में रॉड है, डंडे हैं, और ये देखिए ये बैरियर लगाया जाता है, वो भी हाथ में लेकर के लोग एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स से वीडियो आया है, मूवी पठान, और ये कहा जा रहा है कि गाने को लेकर के कुछ लोगों में बहस हुई, उसके बाद कुछ ऐसा माहौल हो गया। उधर बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। एटीएम लूटकांड में पुलिस को इनकी तलाश भी थी। दरोगा दुर्गेश पांडे की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगने की खबर है। बदमाशों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस को इनकी तलाश थी। एटीएम लूटकांड में ये सभी ढूंढे जा रहे थे, लेकिन अब जाके कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन इस दरमियान दरोगा दुर्गेश पांडे की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने की भी खबर है। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में आग की खबर है। बाइक सवारों ने कूद करके जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बाइक में, यह बताया जा रहा है। पलिया कोतवाली क्षेत्र के संपूर्णा नगर रोड का यह मामला है। वीडियो भी हमारे सामने है। सड़क के किनारे ये बाइक जलती हुई दिखाई दे रही है। चलती हुई बाइक में आग लगी है। सड़क किनारे इस बाइक को छोड़कर शख्स ने अपनी जान बचाई है। लखीमपुर में पलिया कोतवाली क्षेत्र है, संपूर्णा नगर रोड है, जिसके किनारे यह बाइक जलती हुई आप देख रहे हैं। आग बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में लगी, चलती हुई बाइक में आग। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत हुई है, यह खबर मिल रही है। रफ्तार का कहर, हापुड़ नेशनल हाईवे 9 पर एक्सीडेंट, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन तेज रफ्तार बाइक पर सवार थे ये दंपति, बस ने पीछे से टक्कर मारी, मौके पर ही दर्दनाक मौत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।